प्रवचन हो रहा है। ये एक स्थान है करगंजी, करगंजी ये है अपना कर्नाटक में आता है, और गुलबर्गा से ऑलमोस्ट अबाउट एक आधा घंटा, 20 मिनट आधा घंटा इतना समय लगता है उस मंदिर में जाने के लिए। करगंजी ये दत्तात्रेय भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका ये स्थान है। और ये विशेष इसलिए है क्योंकि वहाँ पर दत्तात्रेय भगवान का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है गुरुचरित्र, तो उस गुरुचरित्र का जो निर्माण हुआ, जो लिखा गया, वो उस जगह करगंजी उस जगह में हुआ। छोटा सा गांव है वो, बहुत ही छोटा सा गांव है। और आज हमारे साथ जिन्होंने सायन देव करके थे तो उन्होंने वो लिखा, और आज हमारे साथ यहाँ पर अप्पा जी हैं जो वहाँ पे एक फार्मर थे, तो उन्हें लगा कि मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही चली जाएगी बगैर कुछ किए हुए, लेकिन उन्हें पता था कि वहाँ पे दत्तात्रेय का गुरुचरित्र लिखा हुआ है, तो उनके मन में ये प्रेरणा हुई कि मुझे ये सब खेती वेती सब छोड़ करके मुझे भगवान का कार्य करना चाहिए। इसलिए वो लोगों तक उसे पहुँचाने के लिए उनके प्रयास है, जगह जगह ये जाते हैं। और विशेषता इनकी ये है कि इतने सालों से अपने लिए खुद के लिए कुछ भी नहीं करते, जो भी है वो दत्तात्रेय भगवान और उस मंदिर के लिए करते हैं। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा मूर्ति बनाई है जो ऑलमोस्ट कितना पाँच फुट की मूर्ति है सिंगल स्टोन से, तो वो जिन्होंने बनाई वो भी सिर्फ गुरुवार को उसको तराशते थे। और साक्षात है, मैं कई बार जा चुकी हूँ वहाँ पर, और वहाँ और एक खासियत है कि वहाँ कोई पुजारी नहीं, आप खुद जाके वहाँ पूजा कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि चलो दक्षिणा दो फिर इतना लगेगा उतना, कुछ भी नहीं, आप जाइए आपका जैसा मन हो वैसे आप पूजा करिए, एक फूल चढ़ाइए, नहीं चढ़ाना नहीं चढ़ाइए, आपको मेडिटेशन करना है करिए, जो भी हाथ जोड़ने वो सबसे। इस वजह से वहाँ पे बहुत ही शांति और प्योरिटी है। तो इनका ये कार्य है कि करगंजी सब लोगों तक पहुँचे वो स्थान, क्योंकि दत्तात्रेय के और बहुत सारे गिरनार पर्वत हैं जो बहुत लोग जानते हैं, और अपना पीठापुर है वो भी अभी लोग ज़्यादा जानने लगे हैं, लेकिन मतलब दत्तात्रेय के जितने अवतार हैं, फिर नरसोबा की वाड़ी है, गांडापुर है, कि करगंजी एक ऐसी जगह है जो दत्तात्रेय का स्थान है जहाँ पर वो किताब लिखी है। अब मैं चाहूँगी कि जोशी जी आप बोले, लेकिन उसके पहले आज हमारे जो प्रमुख अतिथि हैं आरएसएस के कुंकन प्रचारक, प्रांत प्रचारक सुमन जी आमशेकर जी, तो वो भी बहुत ही स्पिरिचुअल है इसलिए, और हमारे बड़े भाई है, तो मैंने बोला कि आप आइए और इसका विमोचन आपके हाथों से करते हैं। जोशी जी है जो आपा जी के साथ हमेशा रहते हैं, ये कुछ शब्द आपको बताएंगे इस स्थान के बारे में। जी अप्पा जी जो आज यहाँ सब लोग फंक्शन के लिए आए हैं, ये जो पुस्तक है जो आपके सामने रखा है श्री क्षेत्र करगंजी ऐतिहासिक स्थान महापुर, ये पुस्तक का आज प्रकाशन यहाँ अनुराधे जी माता जी के हाथ से आज हो रहा है। और इसकी वजह ऐसा है कि करगंजी जो क्षेत्र था वो गुरुचरित्र में लिखा था कि करगंजी है जहाँ गुरुचरित्र लिखा है, लेकिन वो जगह कोई आदमी गया नहीं था कि कहाँ है जगह क्या है। लेकिन 1952 में जो दंडवते महाराज एक गाणगापुर में थे, बड़ी आसामी थी, तो एक बार वो उधर गए क्योंकि वो हर बार वहाँ से जाते थे, तो उनके दिमाग में है कि यार करगंजी कहाँ है, एक बार देखेंगे। गुरुचरित्र में हम सुनते हैं करगंजी है लेकिन है कहाँ है, कहाँ गुरुचरित्र लिखा है, तो वो उधर गए, तो उन्होंने जगह कहाँ है वो पूरा जगह ढूंढ निकाला। निकालने के बाद उन्होंने सोचा ये स्थान ऐसा ही रखना नहीं रखना चाहिए, उसमें कुछ तो आगे करना बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं नहीं यहाँ कुछ तो दत्त मूर्ति या ऐसा कुछ तो वहाँ प्रतिष्ठापना करके वहाँ आगे उसका काम करेंगे। तो उसीलिए उन्होंने क्या किया, उनका जो पड़ी मकान था वो मकान उन्होंने थोड़ा उसका डागडुजी करना शुरू किया। वो जहाँ जब उन्होंने डागडुजी करना शुरू किया तब उनको ये पादुका मिली। वो पादुका भी कैसी मिली, एक बड़ी दीवार, पहले कह रहे थे 3 फुट 4 फीट की दीवार रहती थी, और अंदर लोग कुछ सामान और अच्छी अच्छी ये चीज़ें जो रहती थी मूल्यवान चीज़ें वो रखते थे, तो वहाँ उनको ये मिला। और वो भी एक ऐसा था कि उनको एक दृष्टांत हुआ, वो जब ये वो कामकाज कर रहे थे उनका पुराना मकान का, तो एक छोटा सा सर्प बोलते हैं ना, वो एक अंदर गया एक जगह,
तो उनको लगा यार यहाँ कोई तो अलग बात है, नहीं तो ऐसा कोई प्राणी ऐसा अंदर नहीं जा सकता। तो उन्होंने वहाँ की जगह का अच्छी तरह से वो खोल निकाला तो अंदर उनको ये पादुका मिल गए। और उन्होंने जब भी वो पादुका हाथ में लिया और सर पे रखा तो उनको दृष्टांत ऐसा हो गया कि ये पादुका नरसिंह सत्य महाराज ने साहिनदेव को दिया है, पांच पीढ़ियाँ उनका पूजा हुआ है सरस्वती गंगाधर तक, और ये गुरुचरित है यहाँ ही सरस्वती गंगाधर ने ही लिखा है, और सरस्वती गंगाधर ब्रह्मचारी थे इसलिए आगे उनका वंश नहीं है। तो ऐसे ये पादुका है, ये पादुका मामूली नहीं है, ये बहुत जागृत पादुका है। तो उसके बाद साथ उन्होंने उसका वो स्थापना करके पूजा अर्चना करना शुरू किया। उसके बाद क्या हो गया, थोड़ा बहुत वो जब तक वो जिंदा थे तब तक चला, बाद में थोड़ा बहुत ही मुश्किल काम हो गया क्योंकि जहाँ ये पादुका मिल गई वो ये वहाँ दत्त भक्त बहुत ही मामूली है, पूरा लिंगायत लोगों का गांव है तो दत्त भक्त कम है, तो ज़्यादा उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन उसके बाद ये अप्पा जी की उधर एंट्री हो गई और उन्होंने क्या किया कि जहाँ तेल बत्ती के लिए भी प्रॉब्लम होता था तो वहाँ उन्होंने ये उसका पूरा जीर्णोद्धार किया कि 1952 में पादुका मिलने के बाद आज तक पूरा जो उसके पीछे जो करना चाहिए उधर मूर्ति की प्रतिष्ठापना की, मंदिर बड़ा किया, वो जो गुहा थी वो गुहा ठीक किया जहाँ एक्चुअली उन्होंने ग्रंथ लिखा था वो जगह, फिर वो जो लोग पारायण करने के लिए आते उनके लिए भी उन्होंने अलग से जगह बनाया, अगर उनको रहने का है तो रहने के लिए भी उन्होंने भक्ति निवास की सुविधा, ऐसे बहुत सारा सुविधा उन्होंने किया कि ये सब है ये सब अप्पा जी ने किया। अभी मंदिर में जो भी चीज़ें हुआ है 1952 तक आज तक जो भी उसका हिस्ट्री है और उसके जो वाटचाल है वो सब ये बुक में उन्होंने हम लोगों ने उसमें ये किया लिख लिया है। दूसरी बात ऐसे कि जिन आदमी ने ये किया जो अप्पा जी है निस्वार्थी त्यागमूर्ति उसको विशेषण देना वो तो हमारे बस की बात नहीं, हम ये ही बोलते ऐसा आदमी अभी आज तक हमने देखा नहीं है। तो ये आदमी ने पूरा उनका घरदार का पूरा त्याग करके पूरा उनका जो भी दिमाग था जो भी श्रम था वो इसके ऊपर लगाया और ये उसका जीर्णोद्धार किया। तो ये बुक ने हमने क्या किया वो यहाँ कैसे आ गए, उनको दत्त महाराज के दृष्टांत कैसे हुए, क्या क्या तकलीफें आई और क्या क्या तकलीफ के ऊपर उन्होंने कैसा मार्ग निकाला और वो भी दत्त महाराज में निकाला, तो ये सब जो है वो सब उनका चरित्र जो है आज तक का वो भी ये बुक में हमने लिखा है। और ये भी ऐसा था हम भी भाग्यवान समझते कि ये छोटा सा ये बड़ा काम ये हमारे जैसे छोटे लोगों के हाथ से भगवान ने करके दिया, क्योंकि दत्त संप्रदाय में ऐसा बोलते हैं कि कोई बड़ा काम रहे तो छोटे लोगों से होता है, और ये सब करने के लिए हमें जो प्रेरणा दी वो पूरा अप्पा जी ने दिया, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसे ये प्रांत वाले हम लोग भी नहीं है लिखने वाले। लेकिन जब भी उनको लिखने का था तो हमने और मेरी मिसेज ने उनको बताया कि यार चाहे तो हम कर सकते हैं आप हमारे ऊपर विश्वास है तो बोले ठीक है कर दो। तो वो क्या करते थे जब भी पुणे में आते थे ना हमारे साथ एक घंटा दो घंटा एक दिन दो दिन तीन दिन ऐसा हमारे साथ वो गुजारते थे, और उसमें जब भी वो भी रहता ऐसा रहता था कि जब भी उनको मूड आता था ना तभी वो बताते थे, नहीं तो ऐसा हम बोलेंगे बापा जी बताओ वो नहीं बताते। और उसमें क्या था इनको मराठी नहीं आता था वो हिंदी में बताते और मैं हिंदी का ट्रांसलेट करके मराठी में मेरे मिसेस को बताता तो शी हैड सम आइडिया कि कैसा लिखने का कैसा एक कि सामने वालों को भी अच्छा लगना चाहिए ना जो भी चीज़ है। तो वो सब जब शब्दांकन जो बोलते हैं ना वो उन्होंने किया और ये सब ये बुक में हमने ये सब बुक में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आज की तारीख एक ही आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों को कि एक बार आप करगंज जाओ और उधर का जो आध्यात्मिक जो वेव्स है उनका एक बार आप भी फायदा ले सकते हैं। ये गुरुदेव दत्त गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मय श्री गुरु साहिनदेव साहिनदेव नरसिंह सरस्वती का शिष्य नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय जी का दूसरा अवतार, पहला अवतार श्रीपाद से वल्लभ, दूसरा अवतार नरसिंह सरस्वती, नरसिंह सरस्वती का शिष्य साहिनदेव, साहिनदेव का जन्मस्थान कड़गंजी। ये कड़गंजी कर्नाटक में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट आलम तालुका में कड़गंजी एक छोटा खेड़े गाँव है। स्थान ऐसा है जो जितने दत्तक क्षेत्र है वो सभी में एकदम महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्यों महत्वपूर्ण है, अगर आपके हाथ में सरस्वती गंगाधर ने गुरुचरित्र लिख के नहीं दिया होता तो आपको श्रीपाद शिवल्ब नरसिंह सरस्वती मालूम नहीं होता था। इसीलिए एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान हो के भी उनका संतति वहाँ नहीं रहने से पड़ी पड़ा था।
हर क्षेत्र में कोई ना कोई मैं कर रहा हूँ, मेरे से हो रहा है, ऐसा बोलने वाला कोई होता है, लेकिन कड़गंज में कोई नहीं है। भगवान दत्तात्रेय जी खुद बैठ के काम कर ले रहा है। अप्पा को ऐसा किया है जो वही वृद्ध व्यक्ति अपने हाथ के सहारे के लिए जो लकड़ी पकड़ता है, वैसा दत्त महाराज ने मेरे को लकड़ी के रूप में पकड़ के काम करवा ले रहा है। मैं निमित्त मात्र की हूँ। कड़गंज ऐसा स्थान है, पवित्र पावन पुण्यमय। कड़गंज कैसा है? पवित्र पावन पुण्य, शब्द से नहीं है, साईदेव के जन्म से पवित्र, नरसिंह सरस्वती के पद स्पर्श से पावन, और अपने सरस्वती गंगाधर ने जो अपने को पुण्य प्राप्त करने के लिए जो ग्रंथ लिख के दिया है उस लिए पुण्यमय। ऐसा स्थान कड़गंची है। मैं निमित्त के लिए हूँ। जो मूर्ति वहाँ का है वो एक ही निदर्शन है। अपने एक अपने ग्रंथों में एक शब्द आता है, सत्यम शिवम सुंदरम। इसका तात्पर्य यह है, कड़गंची में कहाँ सत्य है वहाँ भगवान है, कहाँ भगवान है वहाँ अपने आप ही सुंदरता निर्माण है। इसलिए कड़गंची ऐसा स्थान है। आप सभी कड़गंची आइए, कड़गंची देखिए और दत्त महाराज जी का पुण्य प्राप्त कर लीजिए। इसीलिए यहाँ आज माता जी के हाथ से ये जो बुक का जो है ना प्रकाशन कर रहा है, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त। आप कैसे जाएंगे कड़गंज जी बताएंगे? सोलापुर से अक्कलकोट, सोलापुर से अक्कलकोट। अक्कलकोट आने के बाद आपको दो रास्ता होता है, एक अफजलपुर के तरफ जाने वाला दुधनी अफजलपुर जाता है, और दूसरा और एक है आनंद के तरफ आता है। आनंद के तरफ आना बोलेगा तो आपने मंदिर के सामने से एस टी स्टैंड आने का, एस टी स्टैंड के सामने से जो रोड जाता है वो वागदरी आनंद कड़गंज जाता है। मंदिर के सामने से जो जाता है वो महिंदरगी दुधनी अफजलपुर गणगापुर जाता है। कड़गंची आने के लिए वागदरी अलंग से कड़गंची आइए, केवल अक्कलकोट से 65 किलोमीटर। तो श्रेष्ठ साधना जिनकी है, ऐसे लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ, मेरी स्वयं की वो अधिकार भी नहीं है, लेकिन थोड़ा दत्त संप्रदाय का जो देखता हूँ तो उससे एक विशेष बात ध्यान में आती है कि इसने इसके अंदर समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के भेदों को समाप्त करने का बहुत अच्छा काम इस संप्रदाय के द्वारा दिखता है। मतलब अमीर गरीब होगा, विभिन्न जाति संप्रदाय होंगे, इसके अंदर समन्वय साधने का काम इसके द्वारा हुआ है। और दूसरी महत्व की बात लगती है कि जो आक्रमण के समय समाज एकदम विपन्नावस्था में था, निराशा में था, तब उसको मन को आधार देने वाला और समाज का अस्तित्व बचाए रखने वाला काम जो है नर्मदा के दक्षिण के पार अगर किसी ने किया है तो इस दत्त संप्रदाय के श्रीपाद श्री वल्लभ नरसिंह सरस्वती इनके महापुरुषों के बाद में जो ये संप्रदाय चला है उसके द्वारा बहुत शक्ति समाज को प्राप्त हुई है। और अभी ये एक श्री क्षेत्र का पता चला है कड़गंज जी का, तो निश्चित रूप से वहाँ जाना चाहे, ऐसी प्रेरणा भी मिलती है। परिवर्तन एकदम बदल होत गेले दत्त महाराजांच्या कृपेनं, आशीर्वादानं। अप्पाजी आणि आम्ही इतके जवळ आलो की कडगंजीने आमचं माहेरच बदलतो आणि खरोखर प्रत्येकानं तिथे जावं। दत्तमूर्तीकडे असं बघत बसलं ना, छोट्या डोळ्याचा अश्रूंच्या धारा येतात। ही सुंदर मूर्ती आहे, फार सुंदर, एवढंच मी सांगू शकते, बाकी आपण त्यात नाही बोलू शकत महाराज।